हेलो व्यूअर्स, समरीन्स किचन में मैं हूं आपकी फेवरेट होस्ट समरीन सिद्दीकी। मैं आपके लिए बनाती हूं आपकी पसंद के कॉन्टिनेंटल डिशेस। चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा और फीडबैक के लिए कमेंट और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, बिल्कुल ऐसे जैसे आप मुझे नहीं भूलते। तो आज हम बना रहे हैं थाई चिकन। इसके लिए मुझे सारी ग्रीन वेजिटेबल्स चाहिए। ब्रोकली नंबर वन। तो हम सबसे पहले ये धुली हुई है ब्रोकली को कट करेंगे। ऑलराइट, के बाद जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। इस दुनिया में तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है, और कोई भी सीख के तो नहीं आया ना माँ के पेट से। जाहिर है बिना सीखे तो कोई भी नहीं आगे बढ़ा। हर कोई हाथ पांव मारता ही है, एक दफा नाकाम होता है दो मरतबा तैरना आ ही जाता है। असल में ज़ुबैदा बेगम, मशकूर मियां में थोड़ा सबर का फुकदान है। बड़े भैया बात ये नहीं है, बात यह है कि इन्हें भरोसा नहीं है, लड़की साथ है ना इसलिए। हालांकि आप जानते हैं लड़कियां क्या कुछ नहीं कर रही, खलाओं में खलाबाजियां कर रही हैं, हवाई जहाज उड़ा रही हैं, और ये कह रहे हैं कि हमारी बच्ची दफ्तर जाएगी। हद है। हो गया, बोल लिया आप सब लोग। तो आप लोग समझते हैं कि मैं कोई कबल मसीह का गारों में रहने वाला कोई इंसान हूं? गलत। कल को समरीन तरक्की करेगी तो उसे मेरा नाम होगा, खानदान का नाम होगा। लेकिन किसी इदारे में काम करने के कुछ उसूल होते हैं। हमारी कंपनी कुछ सेठ हुई कंपनी नहीं है। वी हैव अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसको हमें जवाब देना होता है, समझिए आप। और तुम जो इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रही हो ना कि मैं लड़कियों के घर से बाहर निकलने के खिलाफ हूं, तो भाई मेरी बला से तुम लोग पकड़ो एक मोटरसाइकिल, दोनों माँ बेटी बैठो, कल जो चाहे। आपको सिर्फ तंज करना आता है और कुछ नहीं। वालेकुम अस्सलाम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। देर नहीं कर दिया आज तुमने आने में? जी बीजान, में बच्चों के टेस्ट चल रहे ना, तो बस रिजल्ट के चक्कर में हो गई थोड़ी देर। अच्छा, हीरा मेरे ही पास ही अभी सो गई है, मैंने उसे कमरे में लिटा दिया, शायद उसके पास ही है। थैंक यू बीजान। देख रहे हैं आप, ऐसे इज्जत होती है नौकरी करने वालियों की, ऐसा ख्याल रखते हैं। हालांकि ये इनकी कुछ लगती नहीं है। ये तो बीजान की मोहब्बत है जो मुझे बिल्कुल अपनों की तरह प्यार करती है, वरना आप ठीक कह रही हैं, गैरों को इतनी मोहब्बत कभी नहीं मिलती। अरे नहीं बेटा, तुम हमारे लिए कभी गैर थी नहीं, हमने तुम्हें गैर समझा ही नहीं। और वैसे भी बेटा, कानूनी तौर पर हम तुम्हारे सरपरस्त बन चुके हैं। क्या मतलब है? शायदा दौलत सब में ये हिस्सेदार बन गई है? अरे नहीं जुबैदा बेगम, ऐसा हरगिज नहीं है। रूही को अब जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए होगा उसके जिम्मेदार हम हैं, लेकिन खानदानी विरासत से इसका कोई ताल्लुक नहीं, समझिए आप। बीजान, ये बात आप इनको किसी पर्चे पे लिख के दे दीजिए, क्योंकि अगर आपने लिख के नहीं दिया ना तो ये चैन से नहीं बैठेंगी, और अगर ये चैन से नहीं बैठी तो ये मुझे चैन से नहीं बैठने देंगी। हमारे नाना जान सही कहते थे, इलाहाबादी पदाशी तौर पर साजिशी होते। देख लिया आप, मशकूर मियां, आपकी वजह से पूरे इलाहाबाद को सुननी पड़ रही है। ये हमला हुआ है। होने दे, bring it on। चाय नहीं आई यार। मैं देखती हूँ। देखो बेटा चाय। बेचारी अभी आई है। और माशाल्लाह तुम्हारा आज का फ्लो कमाल का। शुक्र करो इंटरनेट ने तंग नहीं किया, वरना बेड सीन हो जाता। अच्छा, इसकी क्लिप्स एडिट करके आज ही फेसबुक और इंस्टा पे लगानी है, लास्ट टाइम की तरह नहीं। बेफिक्र हो जाओ, मैंने पहले ही कह दिया है। अच्छा सुनो, तुम वो पेमेंट्स का कर देना, लड़के आसरे में होते हैं। हाँ मैंने कैश निकलवा लिया था, बैग में अभी देती हूँ। मैम ये आपके लिए। ये कौन लाए? वो गार्ड कह रहा था कोई साहब आए थे, वो देखे गए, कह रहे थे मैडम को दे दिएगा। वाह भाई क्या बात है, मतलब फुल सेलिब्रिटी स्टेट। कौन लेकर आया? वो साहब आए थे, वो देखे गए, मैडम को दे देना मैडम।